शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है ज्वाइन खाकर गर्म पानी पीने से खांसी ठीक हो जाती है ज्वाइन के तेल की मालिश से जोड़ों के दर्द में फ़ायदा होता है पंद्रह अदद सयाह मिर्च और तीस अदद किशमिश मिलाकर खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीने से पेशाब खुलकर और साफ आता है पेशाब की रुकावट दूर होती है ये रोज़ाना दोबार पिए अगर आधे सर का दर्द हो तो जिस तरफ दर्द हो इस तरफ के नथने में दो बूंदें लहसुन का रस डाल दें हर दो घंटे के बाद लहसुन की दो कलियां चबाकर ऊपर से पानी पी लें आधे सर का दर्द जाता रहेगा खजूर को दूध में भगोकर गर्म करके खाने से ताकत बढ़ती है रोज़ाना खजूर खाने वाले पर जादू असर नहीं करता जिसम से बदबू आती है तो बेसन और दही मिलाकर जिसम पर मले बदबू दूर हो जाएगी दूध में शहद मिलाकर पीने से पेट की गैस नहीं बनती जिसकी नज़र कमज़ोर हो जाए वो रात को सोने से पहले सुरमा डालकर सोया करे नज़र तेज़ हो जाएगी मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये नज़र को कमज़ोर कर देती है घर में रजक की तंगी महसूस होने लगे तो फ़ौर हामला बकरी घर में लाओ रिज़क बढ़ जाएगा ताकत में कमी आने लगे तो रात को सोने से पहले एक पाव दूध में पी लिया करो ताकत में बेपना इजाफा होगा अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी ना पियो हाइज़ा जैसी बीमारी हो जाएगी किसी भी फल को खाने के बाद पानी मत पिए बल्कि दूध पिया करो फ़ायदा होगा औरत सुरख शलजम का इस्तेमाल करे मोटी हो तो पतली हो जाएगी रोज़ाना एक अनार खाने से मेदे की सफाई हो जाती है अगर बदन में कमज़ोरी महसूस होने लगे तो दूध के साथ बुने हुए चने को खा लिया करो बदन की कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी मोटा होना चाहते हो तो केले का जूस बनाकर पी लिया करो दिनों में मोटे हो जाओगे आलू को उबाल कर जो इसका पानी हो वो पाँव पर लगाने से पाँव गोरे हो जाते हैं रोज़ाना एक प्याला दही का खा लेने से मेदे की तजाबियत ख़त्म हो जाती है अगर गरम गरम रोटी को मछली के साथ खाओगे तो पेट में जल्दी कीड़े पैदा हो जाएंगे जल्द को जवान रखना चाहते हो तो रोज़ाना दही का प्याला ज़रूर पिया करें टिंडे और गोश्त का सालन मिलाकर खाने से जिसम के अंदर गोश्त के नुकसान कुछ देर तक अपने पाँव की तली पर हाथ लगाने से यादाश्त तेज होती है दूध जलेबी बगैर चीनी के खा लेने से बदन में बे अपना ताकत पैदा होती है रात को सोने से पहले ऐतल कुर्सी पड़ लेने से घर में चोरी डाका के इमकान खत्म हो जाते हैं दमे की बीमारी लाक हो तो चावल खाने से पहले लीम के चंद कतरे पी लो दमा करीब नहीं आएगा दमा और सांस के मरीज़ गर्म चीज़ें खाने से परहेज करें और पैदल सफ़र करने से भी ग्रेज करें क्योंकि सांस फूल जाता है जिससे हार्ट अटैक का मसला बन सकता है गर्दन के अंदर अगर दर्द महसूस होने लगे तो नहार शबनम के कतरे लेकर दर्द की जगह पर लगा लें दर्द खत्म हो जाएगा मुंह से बदबू ना जाती हो तो नहार मुँह सौंफ पीस कर पानी में डालकर पी लिया करें मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी हड्डियों में दर्द और तकलीफ़ रहती हो तो जैतून के तेल की मालिश जान ना करें दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा कुछ औरतों को रात को जुएँ निकालने की आदत होती है रात को जुएँ निकालने से जुएँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं रात को पानी पीने से परहेज़ करें आप जोड़ों के दर्द में मुबला हो जाएगी और ताकत में कमी आएगी आम खाने के बाद दूध जरूर पिया करो बदन में ताकत पैदा होती है खजूर खाने के बाद दूध पी लेने से दिमाग तरोताज़ा रहता है खाना खाने के बाद चलने से बंदा सेहतमंद रहता है जो अपने चेहरे को रोशन रखना चाहता है वो मार्टे ज़्यादा खाया करे और रात को सोने से पहले चरगोजे खा ले वो कभी बूढ़ी नहीं होगी सत्तर साल वाली औरत भी जवान दिखेगी मोशन ना रुक रहे हो तो दही के अंदर केला डालकर खा लेने से मोशन रुक जाते हैं दही का कर सोने से अच्छी नींद पैदा होती है दांतों में कीड़ा लग जाए या दर्द महसूस हो तो लहसुन और काजू दांतों पर रगड़ने से दर्द खत्म हो जाता है अगर मोटे हो गए हो तो लहसुन का रस निकाल कर पेट पर मालिश करने से मोटापा काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है हमेशा जवान दिखना चाहते हो तो अखरोट को पीस कर केले के जूस में मिक्स करके पी लिया करो बूढ़े तो हो जाओगे मगर चेहरा जवान नजर आएगा हल्दी का इस्तेमाल करना चेहरे को जवान रखता है चाय पीने से परहेज किया करो ये भूख नहीं लगने देती अगर चाय पीते हो तो इसमें सौंफ डालकर पी लिया करो कब्ज़ कैसी भी होगी ख़त्म हो जाएगी चेहरे की जुड़ियाँ दाग दबे ख़त्म करने के लिए ठंडे पानी को आज ही तुरक कर दें और नीम गर्म पानी पिया करें चेहरे के दाग डब्बे ख़त्म हो जाएंगे मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत मुफीद चीज़ है चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से चेहरे को छः दिनों में जवान हसीन बनते देखोगे चेहरे पर बाजारी क्रीम लगाने से परहेज़ करो बल्कि चेहरे पर भैंस के दूध की जाग लगा लिया करो चेहरा कभी काला या लाल नहीं होगा बल्कि हमेशा गोरा नजर आएगा जामन की लकड़ी को आग में दूनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं खाने के दौरान ज्यादा पानी ना पियो इससे आपका मैदा कमजोर रहेगा किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले ऐतल कुर्सी जरूर पढ़ लिया करो इससे आपके कारोबार में बरकत रहती है उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमती वीडियो मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया